कि बाप बेटी का रेप करेगा, अपनी नातिन का रेप करेगा, मामा अपनी भांजी का रेप करेगा, अब कौन सा रामराज स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? वो नौजवान जो वहाँ बैठे हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी या बैकवर्ड पीडीए के नहीं हैं, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, अभ्यर्थियों के चेहरे पर कब आएगी? मैं कई सारी डिबेट में ये सोचता हूँ कि मैं मुस्कुरा के डिबेट कब करूँगा, ऐसे मुद्दे होते हैं। तो अगर मैं अपने कर्म क्षेत्र में मुस्कुरा नहीं पा रहा हूँ तो वो कैसी सरकार होगी? सरकार ने कल रात से ही अत्याचार करना वहाँ छात्रों पे और तेज शुरू कर दिया, चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया, लोगों का आना जाना बंद कर दिया, नौजवानों को उठा उठा के जेल भेजने लगे। कोई सरकार जिसने ये वादा किया था प्रदेश की जनता से कि वो जो आयोग है वो यादव आयोग है, अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हम जनता का आयोग, छात्रों का आयोग बनाएंगे। आप कह देते कि यूपीए की सरकार इस वजह से खाद नहीं आ पा रही है, आप कहते ये भी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये ठाकुर साहब नहीं, ये यादव साहब की दुकान है, इसीलिए खाद नहीं बट रही है। उत्तर प्रदेश में आर ओ ए आर ओ उस परीक्षाओं को लेकर जो अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है वो बदस्तूर जारी है। प्रयागराज से लेकर प्रदेश के कई जिलों में ढेर सारी तस्वीरें आ रही हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई सारे सियासी मायने और उस पर हो रही सियासत भी है। अब जब सियासत होती है तो क्या वो सच में है, कितनी है, क्या कुछ कहा जा रहा है, ये बात कर रहे हैं मनोज जी मेरे साथ हैं, मनोज यादव जी, और समाजवादी पार्टी के एक प्रखर प्रवक्ता के तौर पर लोग आपके चेहरे को पहचानते हैं। बहुत धन्यवाद। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, अभ्यर्थियों के चेहरे पर कब आएगी? ये बड़ी बात आपने पूछ ली। दौर तो ऐसा चल रहा है, आपके ही सवाल को मैं आत्मसात करूंगा। मैं कई सारी डिबेट में ये सोचता हूं कि मैं मुस्कुरा के डिबेट कब करूंगा, ऐसे मुद्दे होते हैं, कभी धर्म, कभी ईश्वर, कभी नौजवान, कभी बलात्कार, कभी हत्या। क्या किसी बेटी की रेप और हत्या के बाद मैं डिबेट में मुस्कुरा पाऊंगा क्या? तो अगर मैं अपने कर्म क्षेत्र में मुस्कुरा नहीं पा रहा हूं तो वो कैसी सरकार होगी, वो कैसे लोग होंगे सत्ता में कि एक प्रवक्ता की हंसी को छीन ले, आम जनता की हंसी को छीन ले, एक बेटी की हंसी को छीन ले, माँ बाप की हंसी को छीन ले। तो एक मौका मिला आपके साथ, कुछ दो शब्द आपने मेरी तारीफ के कहे तो अंदर से मुस्कुराहट आई कि शायद एक पल है हंसने के लिए, इसके बाद जो आपके सवाल होंगे उसमें मैं हंस नहीं पाऊँगा। चूँकि किसी का बेटा, किसी का भाई खुले आसमान के नीचे पिछले चार दिन से धरना दे रहा है। धरना भर होता तो कोई बात नहीं थी, ना कोई वहाँ मैनेज्ड रूप से उनको खाना मिल रहा है, ना कोई बैठने का स्थान है, पुलिस उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, पुलिस उन्हें मारने का प्रयास कर रही है, पुलिस हटाने का प्रयास कर रही है, और जिस तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया गया, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं और भी तमाम सारे लोग हैं। आप सोचिए कि कोई सरकार जिसने ये वादा किया था प्रदेश की जनता से कि वो जो आयोग है वो यादव आयोग है, अगर आप हमारी सरकार बनाएंगे तो हम जनता का आयोग, छात्रों का आयोग बनाएंगे, आज उस पर क्या लिखा जा रहा है वो मुझे कहते हुए भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, क्योंकि मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, मेरी विचारधारा भी जाति को नहीं मानती, धर्म को नहीं मानती, कि मैं अमुक धर्म का ही व्यक्ति हूँ दूसरे धर्म का मैं अपमान करूँ, मैं जिस जाति का हूँ दूसरे जाति का अपमान करूँ, ये मेरी पार्टी नहीं मुझे बताती है। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम प्रदेश के नौजवानों पे, वो नौजवान जो वहाँ बैठे हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी या बैकवर्ड पीडीए के नहीं हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं, सबसे ज़्यादा क्षत्रिय हैं, अगड़ी जाति के लोग हैं, क्योंकि हाई एजुकेशन और हाई नौकरियों के लिए आज भी इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले, सबसे ज़्यादा अपना पूरा एफर्ट लगाने वाले जो लोग हैं वो अपर कास्ट के लोग हैं। और मुझे ये कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि हम पिछड़े हैं, हो सकता है हमें अपने आप को स्थापित करने में अभी कई और दशक लगे, कई और सदियां लग जाएं, तब हम हो सकता है उस स्थिति तक पहुंचे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने प्रयास किया था, पूर्वजों ने प्रयास किया था, हमारे बड़े नेताओं ने पूर्व में प्रयास किया था, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम आज प्रयास करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो बराबरी के रास्ते को तय करेगी, काबिलियत के रास्ते को तय करेगी। मनोज जी, जब आप ये कहते हैं ना कि कुछ लोग उठाए गए, जो आपने अपने पिछले जवाब में भी कहा कि कुछ लोग उठाए गए, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी जुड़े हैं, हम उनके साथ हैं, इस बात को सरकार और विपक्ष में, आपके विपक्ष में मतलब इस वक्त सत्ता पक्ष में बैठे तमाम नेता एक आधार बनाते हैं, वो आधार आपने भी सुने होंगे। मेरा फर्ज बनता है कि मैं पूछूं कि क्या समाजवादी पार्टी आंदोलन को बनाए रखने को प्रेरित कर रही है, और आपने इसी रूप में वो तर्क सुने भी होंगे।
तत्कालिक रूप से अभी राजशेखर जी का मैं लाइव सुन रहा था, फूलपुर में वो हैं इस वक्त, उन्होंने तुरंत कहा, पहले उद्बोधन में ही कहा, एड्रेस करके, मंच को एड्रेस करके उन्होंने कहा कि हमारे छात्र नौजवान धरने पे बैठे हैं इलाहाबाद में, चूँकि वो प्रयागराज में ही हैं जी। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं उस आंदोलन में शरीक हूँ, और आज उनकी मीटिंग थी वहाँ पे चुनावी, तो सरकार ने कल रात से ही अत्याचार करना वहाँ छात्रों पे और तेज़ शुरू कर दिया, चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया, लोगों का आना जाना बंद कर दिया, नौजवानों को उठा उठा के जेल भेजने लगे। तो वो सारी चीज़ें राष्ट्रध्वज जी को उनके नॉलेज में थी, उन्होंने कहा कि मेरी वजह से, मेरी इच्छा है लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, अगर जाऊँगा तो उस पूरे आंदोलन को राजनीतिक रंग दे दिया जाएगा। विपक्ष के नेता होने के नाते अगर बीजेपी के लोग होते तो वह चले जाते वहाँ। मैंने किसान मंच पे राजनाथ सिंह को देखा, मैंने छात्रों के मंच पे केशव प्रसाद मौर्य को देखा, योगी आदित्यनाथ को देखा, सारे राजनीतिक दल गए विपक्ष के नाते जब हमारी सरकार थी, लेकिन हम मौजूदा सत्ता का ये आरोप भी नहीं लेना चाहेंगे कि हम अपने, हमारी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहाँ जाए, लेकिन हमारा उन्हें समर्थन है। समर्थन देना अगर संवैधानिक रूप से, किसी और रूप से अगर गलत हो तो आप मुझसे सवाल दो और पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा जी। जो लोग समाजवादी पार्टी के वहाँ थे, हमारी पार्टी की एक यूनिट है छात्र सभा, छात्र सभा का काम ही यही है कि यूनिवर्सिटीज़ में नौजवानों को अगर रोजगार में, अगर उनके एडमिशन में, उनकी फीस में उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो हमारी विंग खड़ी होगी, और वो इसीलिए बनी है। उसको कहीं हम वहाँ पे हवन सामग्री करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए थोड़ी नहीं बनाया कि जाएगा और वहाँ पे नारा लगाएगा, जाप करेगा बैठ के, उसके लिए हमारी दूसरी विंगे हैं। तो जो हमारी वो विंग है उसके लोग वहाँ गए, इसके लिए हम बीजेपी के किसी भी आरोप की परवाह नहीं करते। ये हमारा दायित्व है विपक्ष में रहने का कि हम उन तकलीफमंद जो छात्र नौजवान हैं, जो हमारे घर के बच्चे, आपके घर के बच्चे और पूरे प्रदेश के हर ज़िले से, इलाहाबाद हमारा शैक्षणिक हब है, वहाँ से लोग SDM IAS PCS बनते हैं, वहाँ मदद करेंगे। हमारा नैतिक धर्म है, सामाजिक धर्म है, राजनीतिक धर्म है, उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं। एक चीज़ और मुझे ऐसा लगता है कि एक संयोग है कि आप और हम चुनावों में बहुत मिलते हैं। पिछली बार युवाओं की बात हुई थी और उस लोकसभा चुनाव के दौर में उस मुद्दे से समाजवादी पार्टी को युवाओं का समर्थन मिलता प्रतीत हुआ था। अब फिर बिल्कुल उपचुनावों के एन पहले एक आंदोलन है जो बड़ा हो रहा है। कई विश्लेषक, और हो सकता है सवाल आलोचनात्मक लगे, लेकिन इस तरीके से भी बोलते हैं कि देखिए, राजनीति में कई लोग चाहते हैं कि आंदोलन 20 तारीख तक, जिस दिन मतदान हो रहा हो, चले, क्योंकि उसका फ़ायदा होगा। कई चाहते हैं कि आंदोलन 20 तक ना चले, उसके बाद भले ही चल जाए, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा होगा। क्या इस आंदोलन में आपको राजनीति दिखाई दे रही है? और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई विषयों पर आप बड़े खुलकर राय रखते हैं। मैं अभी चाहता हूँ कि अभी वो आंदोलन ख़त्म हो जाए, जो हमारे नौजवानों की मांग है सरकार उसको पूरा कर दे और वो ख़त्म हो जाए। हमारे मुद्दे सिर्फ छात्र नहीं हैं, हमारे मुद्दे सिर्फ कुछ बनने वाले अधिकारी भर नहीं हैं, हमारे मुद्दे हर ज़िले में खाद की किल्लत है। सरकार डबल इंजन की खाद की किल्लत क्यों है, किस वजह से? भाई आप कह देते कि UPA की सरकार है, इस वजह से खाद नहीं आ पा रही है, आप कहते, ये भी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। UP सरकार हमारी नहीं है, इस वजह से खाद नहीं बट पा रही, ये भी तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। कोऑपरेटिव में बैठे लोग भी तो समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, जिसके तहत आप खाद बंटवा रहे हो तमाम सारी चीज़ें। एक मैंने अभी ट्वीट किया था, करहल का था, मैनपुरी का, खाद की दुकान थी, उसका वीडियो किसी ने मुझे भेजा, तो खाद की दुकान के ऊपर लिखा था ठाकुर साहब की दुकान। ये मेरा आरोप नहीं, और वहाँ लंबी लाइन लगी थी कई घंटों से। और बाद में उस ठाकुर साहब की दुकान को मैंने जब देखा, अभी मैं दिखा दूंगा, अपने मेरे मोबाइल में है, तो मुझे महसूस हो गया, और अच्छा है यादव साहब की दुकान नहीं थी, किसी सलमान साहब की दुकान नहीं थी। अगर वो होती तो उसको अपराधी और राजद्रोही बना दिया जाता कि ये ठाकुर साहब नहीं है, यादव साहब की दुकान है, इसीलिए खाद नहीं बट रही है। तो मैंने मंथन किया इस बात का, सब कुछ आपके हाथ में। लड़कियों के साथ रोज़ रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आपको वो केस मैं बताना चाहूँगा, सहारनपुर में एक हिंदू परिवार, मैं जोर दे के कह रहा हूँ, हिंदू परिवार की उस बेटी पे, एक बेटी नहीं, दो बेटी पे उसके बाप ने, सौतेला बाप था, सगा बाप था, ये खबरें आ रही हैं, सौतेला बाप था ना, लेकिन हिंदू परिवार था,
उसके बाप ने रेप किया अपनी दो बेटियों के साथ। इसके बाद उनकी दो बेटियों के साथ उसके बाप और भाई ने रेप किया। एक बेटी ने सुसाइड कर लिया। रेप करने वाला भी हिंदू और जिनको प्रताड़ित किया गया वो भी हिंदू। घर है, एक घर है। क्या सरकार ने एफर्ट किया? कौन से दिशा में प्रदेश जा रहा है कि बाप बेटी का रेप करेगा, अपनी नातिन का रेप करेगा, मामा अपनी भांजी का रेप करेगा? अब कौन सा रामराज स्थापित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? और ये क्यों हो रहा? सरकार का कोई बाल नहीं है। सरकार चुन चुन के विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उनको पनिश कर रही है। जो न्यायालय के थ्रू होना चाहिए, हो सकता है वहाँ वो छूट जाए, पहले ही सजा दी जा रही है। मकान गिराया जा रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कल कि बुलडोजर ऑन गैरेज होगा। इस तरह के हर क्षेत्र में मामलात हैं। तो सिर्फ नौजवानों के लिए समाजवादी पार्टी नहीं कि सिर्फ नौजवानों के मुद्दे पे हम राजनीतिकरण करना चाहते हैं, उसको सुलगाए रखना चाहते हैं। ये बीजेपी का कल्चर है कि चुनाव से पहले कुछ हिंदू मुसलमान कर दें, नौजवानों को भड़का दें, किसी की हत्या करवा दें, धार्मिक दंगा करवा दें। ये बीजेपी करती है, हम नहीं करते। हमारे पास हमारे मुद्दे हैं, मामलात हैं, उन मामलात को, उन मसालात को हम लेके जाएंगे जनता के बीच में। अगर हमको वोट मिलता है तो हमारा विधायक बनेगा, नहीं मिलता है तो हम धन्यवाद देंगे यार, जिसका बहुमत होगा उसका वोट बनेगा, बात खत्म है। इसलिए हमें ऐसे मामलों पर कोई वो टिप्पणी नहीं करनी। हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उस जनता के साथ खड़े हैं जिसके साथ दर्द है, तकलीफ है। बहुत शुक्रिया मनोज जी। और सबसे अच्छी बात ये कि तमाम उन सवालों पर जिस पर कहा जाता है कि राजनीतिक आरोप हैं, बहुत साफगोई से ये कहा कि बतौर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि आंदोलन आज खत्म हो जाए, वो जो सियासत की उस 20 तारीख के चक्रव्यूह की बात हो रही है वो ना हो, छात्रों की समस्याएं दूर हो। और समस्याएं क्यों हैं उस पर वाजिब तौर पर अपने तर्क रखें। अपना वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस पूरी चर्चा को देखा। लखनऊ से अमर उजाला के लिए उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।